खरगोन में शिक्षक दिवस के अवसर पर गायत्री मंदिर परिसर में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में पेंशनर एसोसिएशन के कर्मचारी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और रैली निकाली गई, जो गायत्री मंदिर शुरू होकर बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस चौराहा, जवाहर मार्ग होते हुए गायत्री मंदिर पहुंचकर समापन किया गया। हम आपको बता दें कि एसोसिएशन लंबे अरसे से अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र राज्य सरकार को जद्दोजहद करता चला आ रहा है। इसी बीच पदाधिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण मांगों के लिए प्रदर्शन करके गांधीवाद का सहारा लिया, साथ ही राज्य विभाजन की धारा 49 की सहमति समाप्त करके छठवें सातवें वेतनमान का भुगतान किया जाए। इस दौरान कर्मियों ने आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की मांग भी की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस है और शिक्षा के बगैर हमारा देश प्रदेश विदेश विकास नहीं कर सकता, और आज जिन शिक्षकों की वजह से हमारे प्रदेश का और देश का विकास हो रहा है, ऐसे शिक्षक जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनका हमने आज यहाँ सम्मान किया है। ये आपने रैली भी निकाली है क्या, आक्रोश में रैली निकाली? रैली हम लोगों की मांगे हैं, जो जब हम सर्विस में रहते हैं तो हमको 34% दिया जाता है और अभी सरकार ने 4% और दिया तो 39% हो गया, और दूसरे दिन आदमी जब रिटायर होता है तो 17% उसको डीए मिलता है, तो डीए हमारा ये जो 17% है ये भी 32 महीने से रुका हुआ है और 27 महीने का अलग हमारा एरियर रुका हुआ है। इन सब मांगों को लेकर के हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ आज प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा है, और ये जो कार्यक्रम है हमारी मांगों का ये 5 दिन तक लगातार चलेगा। पहला जो कार्यक्रम आज हमारा है ये प्रभात रैली का है, कल हमारा हनुमान चालीसा का पाठ का प्रोग्राम होगा, और उसके बाद हमारा सुंदरकांड का जो पाठ है उसका प्रोग्राम होगा, और 8 तारीख को हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे ताकि भगवान गणेश जी और माँ गायत्री और हमारे अन्य देवता जो हनुमान जी हैं उनको मना के सरकार को सद्बुद्धि दे और हम लोगों का जो रुका हुआ पेमेंट है वो रिलीज करे। इस मांगों को लेकर के इस रैली का आने वाला 2023 विधानसभा चुनाव है क्या सरकार को घेरने में? यदि हम लोगों की मांगे मंजूर नहीं करी तो पेंशनर एसोसिएशन भी एक शक्ति के रूप में सामने आएगा और सरकार की नीतियों का विरोध करेगा, क्योंकि हम एक पर एक, एक नहीं है, एक पर एक 11 है, एक आदमी के साथ में 11-11 वोट लेके हम चलेंगे तो भी शासन की जड़ें हिला देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।